गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सारणिकों और अव्ययों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 4.6 है। इसमें पहले इसका मेथड बताती हूँ कि इसको हम कैसे, जो हमें इक्वेशंस दी होती थी, अभी तक आप लोग इन इक्वेशंस को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि वगैरह से सॉल्व करते थे या व्रज गुणा विधि। अब इसमें अव्यय की व्युत्क्रम के सहायता से भी हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। अब इसको देखो, इसका पहले जनरल देखते हैं हम। जनरल में जैसे हमें a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। हमने इसमें x, y और z का मान निकालना है। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना a बराबर, ये जो इसके गुणांक है x, y और z के, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, इनको तो हम अव्यय a मान लेते हैं, x, y, z। हम x, y, z हमें निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं। फिर है b है d1, d2, d3, ये जो इधर दे रखे हैं इनको हम b मान लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ax इज इक्वल टू b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। x को हमने लिया x, y, z, b हो गया हमारा d1 d2 d3, ये हमारा b हो गया। अब ये हो गया, हमें चाहिए इसमें x। अगर यहाँ से हमने x निकालना है, x ये a इधर आ जाएगा, a इनवर्स b, तो इसका मतलब x निकालने के लिए, x, y, z निकालने के लिए हम a इनवर्स b लेंगे, ये पूरा इधर आ जाएगा, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का तुम्हें मैंने सूत्र बताया था, 1/डिटरमिनेंट ए एडजेसेंट ए। अब इसको हम आगे करते हैं। अच्छा, इसमें कल मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, इसको एडजॉइंट बोलते हैं, इसको हम एडजॉइंट, ADJ को हम एडजॉइंट बोलते हैं। ये होता है सहखंडज। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और कल मैंने बताई थी, उसको भी थोड़ा शॉर्ट में सीख लो। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 138 देखना, उसमें अगर हमें ए कोई 2x2 दी है, अव्यय दिया है हमें a21 a22, तो अगर हम इसका एडजॉइंट, मैंने कल तुम्हें सिखाया था एडजॉइंट ए निकालना पूरा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, इन दोनों, ये दोनों तो अपने स्थान बदलेंगे आपस में, एडजॉइंट ए का बता रही हूँ, ये दोनों अपने स्थान बदलते हैं, स्थान बदलते हैं अपने, और ये दोनों अपने चिन्ह बदल लेते हैं, ये दोनों अपने चिन्ह बदल लेते हैं, मतलब a11 a22 ये दोनों अपने स्थान बदलेंगे, a22 a11, ये दोनों अपने चिन्ह बदलेंगे, -a12 -a21। तो इनको हम डायरेक्ट, क्योंकि आगे क्वेश्चन बड़े होंगे तो इनको हम डायरेक्ट भी इस
सूत्र को, इस प्रमेय को हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि ए ये है और एडजॉइंट ए, ये दोनों स्थान बदलेंगे और ये दोनों चिन्ह बदलेंगे। अब हम इसके एप्लीकेशंस पे, मीन्स इनके हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.6 अब हम शुरू कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहले मैं 1 करवा रही हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें एक चीज और बताना है, ये आपका इधर ये बता देती हूँ, इसको भी आपको मैं देखो। इसमें एक चीज तुम्हारे पास आएगी, संगत और असंगत। संगत का मीन्स क्या होता है कि मॉडल डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि जो इसका आंसर निकलेगा एक्स वाई जेड का, तो इसका हल या तो अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा, या फिर अनेक हल होंगे इसके। और असंगत में क्या है कि डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। देखो, तुमने ये चीज पढ़ी हुई है टेंथ में, अद्वितीय हल। अगर तुम्हें याद आए तो जब दो रेखाओं को हम परस्पर काटते हैं तो ये वाला जो आंसर आता है ये एक ही हल होता है, और इसको अद्वितीय हल कहते हैं। अनेक हल ये कब होते हैं, जब लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, इनको हम कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते थे, कोइंसिडेंट लाइन। और अगर लाइन समांतर आ जाए तो उसमें कोई हल नहीं होता। अगर लाइनें समांतर आएं, ये तुमने पढ़ा हुआ है टेंथ में, अगर लाइनें समांतर हों तो इसमें कोई हल नहीं होता। काट रही हैं तो एक हल है, और एक के ऊपर एक दूसरी आ गई तो इसमें अनेक हल होते हैं। तो अब चलो, अब हम शुरू करते हैं। हमें इसमें बताना है कि संगत अथवा असंगत के रूप में, अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो अब इसको करते हैं। अब हमें दो समीकरण दिए हैं। आप लोग जो टेंथ में कैसे करते थे, चाहे विलोपन विधि लगाते थे, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाते थे, या वज्रगुणन विधि लगाते थे, इन तीनों विधियों से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब हम इसको आव्यूह से करते हैं। माना ए इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3। इसमें हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे 1, 2, 2, 3। अब इसको आपको पता है, कल आपने करा था ये 1 × 3 माइनस 2 × 2, 3 − 4 इज इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि आते हैं डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि दी गई समीकरण निकायों का, इसमें क्वेश्चन में है दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो हम लिखेंगे दी गई, अतः दी गई समीकरण निकाय संगत है। अभी तो मैंने पीछे बताया कि इसके नॉट इक्वल टू हो तो वो संगत होती है। अब जब संगत होती है तो इसका मतलब हम इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो समीकरण दिए हैं
समीकरणों का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है। जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो अद्वितीय हल है और ये समीकरण संगत है। फर्स्ट तो आपका क्वेश्चन ये था, अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। हमें इसमें दे रखा है x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, 2x प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एट। इसमें भी यही मान लो आप, माना a इक्वल्स टू टू थ्री नहीं सॉरी वन वन थ्री टू सिक्स, तो वन इन हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, वन इंटू सिक्स माइनस टू इंटू थ्री, सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट a जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। अच्छा, अब इसमें जब डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल आ जाए, इसमें भी दो केस होते हैं, उन दो केसों में ये आपकी बुक में पेज नंबर 145 वहाँ पे आप रीड कर सकते हो कि जब ए हमारा जीरो के इक्वल आ जाए, इस स्थिति में हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तब कोई हल नहीं होता इसका और समीकरण असंगत होती है, और अगर जीरो की इक्वल हो जाए तब संगत और असंग, अगर संगत हुई तो उसमें अनेक हल होंगे और असंगत हुई तो उसमें कोई भी हल नहीं होगा। ये चीज़ आप अपनी बुक में 145 पेज पे आप ये स्थिति दो वहाँ पे आप देखना, स्थिति दो। अब इसमें हम एडजॉइंट ए भी निकालेंगे। अब तुम्हें अभी बताया कि एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, अब बी इसमें क्या है, बी इसमें आपका 5 और 8 है। इसको आगे करते हैं, अब हम इसमें आगे करते हैं, हम एडजॉइंट बी निकाल, हमें ए हमें दिया हुआ था, ए हमारे पास है इसमें 1326 1326 और बी है 5 and 8। ये अब एडजॉइंट ए हमें निकालना है, एडजॉइंट ए मैंने अभी बताया था कि ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं, मतलब 6 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, और ये दोनों अपना रहते तो ये यहीं के ही हैं लेकिन अपना चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस थ्री और माइनस टू, ये एडजॉइंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी ये निकालना है, सिक्स माइनस थ्री माइनस टू वन फाइव एट, इसको वही 7 के फॉर्म में गुणा करना है हमने, तो ये आ जाएगा 6 इंटू पाँच माइनस थ्री इंटू एट, प्लस माइनस थ्री इंटू एट, माइनस टू इंटू फाइव प्लस वन इंटू एट, तो ये हो गया 30 माइनस 24 माइनस 10 प्लस 8, ये हो जाएगा 6 और माइनस 2। अब देखो ये जीरो के इक्वल नहीं है तो हम ये कहेंगे दी हुई समीकरण, दी गई समीकरण निकाय असंगत है जब डिटरमिनेंट ए भी जीरो के इक्वल हो जाए, ये जीरो के इक्वल ना हो तो ये असंगत होती है। इसके बाद अब हम एक और करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन इसका। ये हमें दे रखा है, तीन समीकरण दे रखी है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड, हमें तीन समीकरण दी हुई हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल टू टू, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू ए
जेड इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे हम इसको ए को, तीनों में ए कॉमन है, इस ए को हम इधर ले आएंगे। ये तो समीकरण एक, ये समीकरण दो, इसको एक कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 4 अपॉन ए। या तो ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब हम इसको ए मान लेंगे, ये हो गया ए इज इक्वल टू, देखो एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक 1, 1 1 1, 2 3 2, 2 3 2, ये एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक और जेड का गुणांक। अब तीसरी समीकरण में एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक 2, ये आ गया। अब इसके बाद हमें ए के का मान निकालना है, ये अभी तुम्हें सिखा रखा है मैंने, 1 3 × 2 − 2 × 1 − 1, 2 × 2 − 2 × 1 प्लस 1 2 × 1 − 3 × 1। तो 3 × 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया 1 के इक्वल आ गई हमारा। अब इसमें 1 है, अब हमें क्या निकालना है, ये हमें पता है कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल होता तो हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते, 0 के इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे दी गई समीकरण निकाय, अब इस 0 का मतलब नहीं है तो अद्वितीय हल, एक ये अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल होगा। दी गई समीकरण निकाय संगत है, तो संगत और असंगत आपने निकालना सीख लिया है। इसी में एक और क्वेश्चन हम करते हैं, 5th क्वेश्चन। अब मैंने तुम्हें 2×2 ऑर्डर के भी बता दिए, संगत असंगत और 3×3 ऑर्डर के भी हो गए। ये समीकरण है 3x − y − 2z = 0, 2y − z = −1, 3x − 5y = 3। अच्छा अब इसमें माना ए मान लेते हैं, पहले हम ए हमारा है क्या, एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक। एक्स का गुणांक है 3, वाई का गुणांक है −1, जेड का गुणांक है −2। यहाँ एक्स एन है नहीं, तो एक्स का गुणांक 0, वाई का गुणांक 2, जेड का −1। यहाँ पे एक्स का 3, वाई का −5, जेड नहीं है इसमें तो जेड का 0। अब इसमें निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए, तो ये हो जाएगा 3 × 0 − −1 × −5 −−1, 0 × 0 −−1 × 3 −2, माइनस यहाँ पे प्लस होता −2, 0 × −5 −2 × 3, तो ये हो गया 3, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 −5, ये हो गया +1, और यहाँ पे ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 −2, ये 0 हो गया −6, −15 +3 +12 −15 +15, तो ये हो गया 0, मतलब हो गया कि डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल है। अभी तुम्हें बताया था कि डिटरमिनेंट ए जब 0 के इक्वल निकले तो आप उसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे, अब इस तभी पता चलेगा कि संगत है या असंगत है, खाली इससे हम नहीं बता सकते। तो अब हमें एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले a11 a12 वो सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो a11 हो गया −1 की पावर 1 + 1, ये कल सिखाया था, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट भी करूँगी इसको, और ये हो गया 2 × 0 −−1 − 5, तो ये हो गया −1 की पावर 2, प्लस का हो गया 0, प्लस −5 आ गया। अब निकालेंगे a12,
ए वन टू में ये हो जाएगा माइनस, देखो इनको जोड़ के अपने लिख रही सीधा माइनस वन के पावर थ्री, जीरो इंटू जीरो माइनस माइनस वन इंटू थ्री, तो ये माइनस तो यहाँ से आ गया और माइनस माइनस प्लस ये हो गया थ्री। अब इसमें आ गया ए वन थ्री, यहाँ से देखो माइनस वन की पावर फोर, जीरो इंटू दिस और टू इंटू दिस, जीरो इंटू माइनस फाइव माइनस टू इंटू थ्री, माइनस की पावर प्लस होती है और ये जीरो हो गया, माइनस सिक्स में आंसर आ गया इसका। ए टू वन, माइनस वन की पावर थ्री, टू और वन थ्री होते हैं, और यहाँ से माइनस वन इंटू ज़ीरो, माइनस माइनस टू इंटू माइनस फाइव, तो माइनस बाहर आ गया, प्लस माइनस माइनस दस अंदर आया तो ये हो गया दस। अब है ए टू टू, माइनस वन की पावर फोर, ये हो गया तो थ्री इंटू ज़ीरो, थ्री इंटू ज़ीरो माइनस माइनस टू इंटू थ्री, तो प्लस हो गया, ये जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस ये आ गया सिक्स। ए टू थ्री, माइनस वन की पावर फाइव, ये टू थ्री है, थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस वन इंटू थ्री, तो माइनस माइनस पंद्रह और प्लस तीन, माइनस बारह ये हो गया बारह। ए थ्री वन, माइनस वन की पावर फोर, ये थ्री वन ये है, माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस माइनस टू इंटू टू, तो ये प्लस हो गया और यहाँ पे आ गया वन माइन वन प्लस फोर, ये हो गया फाइव के इक्वल। ए थ्री टू, माइनस वन की पावर तीन और दो पाँच हो गए, ये हो गया थ्री इंटू माइनस वन, क्योंकि ये लाइन और ये कॉलम छोड़ देंगे, थ्री इंटू माइनस वन और माइनस टू इंटू ज़ीरो, बाहर माइनस अंदर माइनस थ्री, ये हो गया थ्री। ए थ्री थ्री लास्ट, माइनस वन की पावर सिक्स हो गया ये, और यहाँ पे थ्री इंटू टू माइनस वन इंटू ज़ीरो इंटू ज़ीरो, तो ये हो गया प्लस हो गया और छः हो गया। अब जो हमारा आवयव निकलेगा, माइनस फाइव माइनस थ्री, माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस सिक्स, टेन सिक्स ट्वेल्व, फाइव थ्री और सिक्स। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे इधर, अभी ये तो हम बताया था कि सहखंड से बने आवयव को हम सी से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर्स मतलब सहखंडज से बनी मैट्रिक्स, ये हो गया सी। ये हम लिखेंगे माइनस पाँच माइनस तीन माइनस छः, दस छः माइनस बारह, पाँच तीन छः। अब एडजॉइंट ए जो होगा वो सी डैश के इक्वल होगा, इसको इधर लियो, जो रो है वो कॉलम बना दो, माइनस पाँच दस पाँच, माइनस तीन छः तीन तीन, माइनस छः माइनस बारह और छः, माइनस छः माइनस छः यहाँ बारह है, सॉरी माइनस छः बारह, यहाँ प्लस का बारह, बारह और छः ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए की हम बी से गुणा करेंगे, इसके बाद माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस सिक्स, दस छः बारह पाँच तीन छः, और बी है हमारा यहाँ से देखते हैं टू टू माइनस वन और थ्री, ये बी है।
अभी हो गया माइनस पाँच की दो से माइनस दस, दस के माइनस एक से माइनस दस, और पाँच की तीन से प्लस पंद्रह। माइनस तीन गुणा दो माइनस छः, छः गुणा माइनस एक माइनस छः, तीन गुणा तीन नौ। माइनस छः को दो से करेंगे माइनस बारह, बारह को माइनस एक से करेंगे माइनस बारह, छः को तीन से करेंगे अट्ठारह। ये आपका आ जाएगा माइनस बीस प्लस पंद्रह माइनस पाँच माइनस तीन, और चौबीस में से ये छः आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दी गई समीकरण निकाय असंगत है, असंगत है। अब ये 4.6 के छः क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह से होंगे। इसके बाद मैं अब ये बता रही हूँ आपको इसका आठवां क्वेश्चन। एक आठवां क्वेश्चन में हम ए इनवर्स निकालेंगे। देखो हमें दे रखा है कि आव्यूह विधि से हल करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। समीकरण हमें दे रखी है 2x माइनस वाई माइनस टू, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। तो इसका हल शुरू करते हैं। माना a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 3 4 एक्स एक्स वाई, और b माइनस टू 3। इसको आप आगे अब सॉल्व करना शुरू करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो हमें x और y हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अभी तुम्हें शुरुआत में बताया था मुझे इसके लिए चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन ए एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले मुझे एक तो ये निकालना है ए, तभी मैं इसमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इसमें रख पाऊँगी। तो ये हो गया 2 इंटू 4 माइनस माइनस 1 इंटू 3, 8 प्लस 3 11, 11 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तभी हम इसका हल निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है एडजॉइंट ए हमें चाहिए। एडजॉइंट अभी तुम्हें बताया कि इन दोनों को, 4 को ऊपर ले आओ 2 को नीचे ले आओ, माइनस 3 कर दो इसका साइन बदल दो 1। अब इसमें ए इनवर्स निकालोगे आप, 1 अपॉन 11 4 1 माइनस 3 2 ये हो गया। अब इसके बाद आप x निकालने के लिए a इनवर्स b करोगे। x तो हो गया एक्स वाई, ए इनवर्स हो गया 1 अपॉन 11 4 1 माइनस 3 2, इसमें वैल्यू रखें ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस समीकरण एक से देखो आप, यहाँ पे एक लिख देती हूँ। तो समीकरण एक से x की जगह मैंने एक्स वाई रख दिया, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स रख रही हूँ, और b है हमारा माइनस टू 3, 1 अपॉन 11, और ये हो गया माइनस 8 प्लस 3, और ये हो गया माइनस ये 6 प्लस 6, 1 अपॉन 11 माइनस 5 12 माइनस, अब इसको 11 को अंदर ले आती हूँ, 5 बटे 11 और 12 बटे 11, और यहाँ पे हमारा आ रहा था x और y। तो इसका मतलब x का मान माइनस 5 बटे 11 है और y का मान 12 बटे 11 है। ये आपका आंसर इसमें आ गया। एक और क्वेश्चन हम इसमें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, और फिर आपको पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में मिलेगी। इसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज का होमवर्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको बता रही हूँ, और 11 में है 2x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3 अपॉन 2, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9।
इसका हल शुरू करते हैं। माना ए बराबर 211, 211, यहाँ मैंने बताया था एक्स वाई और जेड के गुणांक लेते हैं हम। 1 - 2 - 1, यहाँ पे एक्स नहीं है, 0, 3 और -5। इसमें जो एक्स होगा वो एक्स वाई जेड होगा, जितने भी हमें दिए होते हैं सब। और बी जो होगा वो होगा 1, 3/2 और 9। ये इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की आप। अच्छा, इसके बाद अब हम सॉल्व करना, पहले तो हमें निकालना है डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए निकालने से हमें ये पता चलता है कि इसका सॉल्यूशन कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो डिटरमिनेंट ए निकाल लोगे आप, 2 - -2 - 5, सॉरी -3 - -1, 1 - -5 - 1 - 0 +1, 1 - 3 - -2 - 0, तो ये हो गया 2, 10 + 3 - 1, -5 + 10 +1, 3 + 0, 2 को 0 से गुणा 0 है, 13 × 26, ये हो गया 5 - 5 आ गया इसका, और +1 तो 27 में, 27 यहाँ पे इसको मैं ओपन कर दूँ, 13 - 1, यहाँ पे ये -1 को 0 से करा 0 आएगा ये, तो ये -5 और +1 × 3, तो 26 + 5 + 3 - 31 = 34, 0 इसका मतलब इसका हल हो जाएगा। अगर ये 0 के इक्वल ना आए तभी इसका हल होता है। अब इसमें हम इसके a11, a12 ये हम सब निकालेंगे इसके। अब निकालते हैं इसका a11 निकालने के लिए -1 की पावर 2, और ये तो मैं लिखना करना बताया हुआ है मैंने, -1 * 3, ये हो गया +1 और 1 बाहर आ गया, 10 + 3, ये हो गया 13। a12 -1 का स्क्वायर, a12 ये वाला इसके साथ हो जाएगा -5 और +0, यह हो गया -5। a13 ये वाला 13 -1 की पावर 3, और यहाँ हो गया 3 + 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। अब a21 -1 की पावर 3, इसमें 1 - -5 - 3, -8 + 8। a22 हमें 8 - 2 निकालेंगे हम, 1 की पावर 4 और -10 - 0, तो -10 आ गया है। a23 -1 की पावर 5 6 - 0 - 2, 3, ये 1 * 0 = 0 जाएगा, तो ये हो गया -6। a31 -1 की पावर 4 और इधर से आ गया -1 और +2, -1 + 2, ये बाहर प्लस का है तो 1 हो गया। a32
माइनस वन की पावर फाइव, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन, माइनस बार माइनस थ्री, ये आ गया थ्री, ए थ्री थ्री, माइनस वन की पावर सिक्स, ये ए थ्री थ्री है, तो माइनस फोर माइनस जीरो, ये हो गया बार प्लस का और माइनस फोर इसका आ गया। एक बार और इसका हम देख लेते हैं, ये थर्टीन हो गया, यहाँ पे टू और वन थ्री, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस बाहर है, माइनस फाइव अंदर है, पाँच हो गया, ये तीन और एक चार, माइनस पावर चार हो गई तो तीन हो गया, ये आठ हो गया, यहाँ पावर चार है, माइनस दस, पाँच पावर माइनस का माइनस छः, और ये चार एक हो गया, ये तीन हो गया, और थ्री थ्री पे ये माइनस वन, और यहाँ से वन इंटू वन माइनस वन, ये हो गया माइनस फाइव। अब इसकी हम बनाते हैं आव्यूह, कोफैक्टर से या सहखंड से कोफैक्टर्स, इसको सहखंड भी ले सकते हैं, से बना आव्यूह। माना ये सी मान लेते हैं इसको, माना ये सी है, इसको ये हो गया तेरह पाँच तीन आठ माइनस दस माइनस छ, वन थ्री और माइनस फाइव। सी डैश एडजॉइंट ए जो होता है वो सी डैश के, सी डैश में रोज को कॉलम में तेरह आठ एक पाँच माइनस दस, पाँच माइनस दस, ये मेरे से गलत लिखा है क्या है, तीन तीन माइनस छ माइनस पाँच, ये हो गया। अब इसमें हमें निकालना है x इजिकल, नहीं अभी हमें a इनवर्स निकालना है, रुक जाओ, अभी a इनवर्स निकालना है, वन अपॉन a डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a, ये हो गया वन अपॉन, हमने क्या निकाला था इसमें a 34 निकाला था हमने, और एडजॉइंट a है तेरह आठ एक पाँच माइनस दस तीन, तीन माइनस छ माइनस पाँच। अब हम निकालते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x है हमारा x y z, वन अपॉन थर्टी फोर तेरह आठ एक पाँच माइनस दस तीन, तीन माइनस छ माइनस पाँच, इसकी गुणा b से करेंगे, b हमारे पास है इसमें ग्यारहवां क्वेश्चन, वन थ्री अपॉन टू और नाइन, ये अब इसको सॉल्व करते हैं, वन अपॉन थर्टी फाइव, तेरह एकम तेरह, दो चौक आठ, चार तीन बारह, तेरह प्लस बारह प्लस नौ, यहाँ से आ गया पाँच माइनस, ये कटेगा पाँच माइनस पंद्रह प्लस सत्ताईस, और ये आ गया तीन माइनस नौ, और नौ पंजे पैंतालीस माइनस पैंतालीस, ये आ जाएगा वन अपॉन थर्टी फोर, पच्चीस और नौ चौंतीस, सत्ताईस और पाँच बत्तीस, में से पंद्रह सत्ताईस, सत्रह, और ये हो गया चौवन में से तीन गए माइनस के इक्यावन। अब चौंतीस से भाग कर देंगे एक, एक बटा दो, और माइनस सत्रह थी इक्यावन, सत्रह दूनी चौंतीस, इससे हमारा x का आंसर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, x तो आ गया वन, y आ गया वन अपॉन टू, यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको, और z आ गया माइनस थ्री अपॉन टू, ये आपका फिफ्टीन इलेवेंथ क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें आप 16 का मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ आपको, बाकी सब होमवर्क में करेंगे। 16 क्वेश्चन में चार किलो प्याज
3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, हमें प्रत्येक का मूल्य बताना है। तो ये लिख लेंगे, माना प्याज का मूल्य यह आ जाएगा ₹x, गेहूं का मूल्य ये ₹y और चावल का मूल्य ₹z। अब इसमें समीकरण हमारी बनेंगी 4x प्लस 3y प्लस 2z, 4x प्लस 3y प्लस 2z अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो यहाँ पे, 4x प्लस 3y प्लस 2z और ये हो गया 60 के इक्वल। फिर 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ, गेहूँ कब आए हैं, 6 किलो चावल और ये 90 रुपये के, 6x प्लस 2y प्लस 3z ये हो गया 70 रुपये। अब ये समीकरणों को वैसे ही हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है और इसको आप सॉल्व कर लेना। 15 में थोड़ा सा हिंट लो इसका भी आप, a हमें दिया हुआ है 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2, a इनवर्स आप निकाल लोगे 1/मॉडुलस से एडजॉइंट a से। अब a इनवर्स का प्रयोग करके तो वही चीज़ है, ए इनवर्स निकाल लो कि आगे वही करना है, ए इनवर्स ए बी, जो भी आपका ए इनवर्स आ जाएगा इसमें बी आपका दे रखा है 11 - 5 - 3, तो इसको 11 - 5 - 3 से आप गुणा कर दोगे एक्स वाई जेड और ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब ये पूरी एक्सरसाइज आपकी होमवर्क में विद एग्जांपल्स एक्सरसाइज 4.6 विद एग्जांपल, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो मैंने करवाए हैं उन्हें भी कॉपी में करोगे और बाकी का होमवर्क भी करोगे। ओके, थैंक यू।